जी। कैसे शादी हुई थी? शादी.com से मेरे जीजा कराए थे। शादी.com से आपके जीजा जी आपका शादी करवाए? हाँ, वही लड़का ढूंढे थे। हाँ। मेरा भाई घर देखने गया था। हाँ। और सब लोग आए थे मेरी शादी में, इनकी तरफ से कोई नहीं आया था। इनके मम्मी पापा आए थे, अभी इनकी मम्मी खत्म हो गई, भाई आया था, भाई के बच्चे आए थे बस। तो शादी जो किए उनसे आपका अभी दो बच्चा है? दो बच्चा है और दो अबॉर्शन करा दिए चेकअप करा के, क्योंकि लड़की थी। अच्छा। और एक पेट में भी है अभी 1.5 महीने। अभी पेट में भी है? हाँ। आप प्रेग्नेंट है अभी? हाँ। और दो बच्चा का अबॉर्शन करवा? हाँ। और मेरा लड़का हुआ तो खूब खाना पीना सब, जब लड़की हुई तो कोई मालिश वालिश कुछ नहीं। अभी भी मैं मतलब दर्द से बहुत परेशान रहती हूँ। अच्छा। आपके पेट में लड़की थी इसलिए उन्होंने अबॉर्शन? हाँ, दो बच्चे। हाँ, दो बच्चे। हाँ। आपने इसका विरोध नहीं किया? मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, नहीं मायके वाले नहीं ससुराल वाले कोई साथ नहीं दे रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी भी दूसरी शादी है, इनकी भी दूसरी शादी। मेरी जब पहली शादी हुई थी तो मेरा बहुत सामान मिला था, जैसे जेवर मेरी मम्मी दी थी, चैन अंगूठी जो भी लड़का को देता तिलक में। हाँ। और दहेज भी दिया था मेरी मम्मी ने 80,000 रुपये। हाँ। और भी सब चीज़ें, पलंग फ्रिज कूलर सब, तो वो सब वहीं पे छूट गया। हाँ। नहीं मतलब ले आए हम लोग, तो उसके लिए कहती है कि तू ऐसी है वैसी है, सब सामान छोड़ आई, तेरे पीछे हम लोग कितना बार बात करेंगे। अच्छा, यानी कि आपका जो है पहले ही अरेंज मैरिज गार्जियन जो है घर से आपका शादी हुआ था। हाँ। और वो लड़का आपको पसंद नहीं आया या फिर अनपढ़ होगा, उनको आप छोड़ दिए। हाँ। उसके बाद से आप दूसरा शादी किए, वो भी आपके जीजा जी आपका शादी करवाएं शादी.com से। हाँ। और उसका भी दूसरा शादी है जिनसे आपने शादी? हाँ, किया उनका एक लड़की भी थी, तो जब हम लोग तलाक का पेपर मांगे तो ऐसे जिधर लड़की का मतलब कि लिखा हुआ था तो वो ऐसे टेढ़ा करके फोटो खींच दी, उसमें लड़की का आया ही नहीं। तो हम पढ़े तो तलाक का था, तो हम सोचे कि तलाक मेरा भी हुआ है उनका भी हुआ है। हाँ। लड़की का नहीं उसमें था, मतलब तो दोनों पहले शादी से तलाक लेके एकदम क्लियर है। हाँ हाँ, हाँ। दोनों ने साथ मेरा उससे तलाक हुआ है पंचायत से, तो जब मेरी शादी हुई तो मेरा देवर कहने लगा कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको भगाओ, इसको मारो, इसको फिर से बोलो तलाक लेके आए। कब शादी किए थे दूसरे पति से आप? 2019 में 15 जुलाई को नोएडा शिव मंदिर में। नोएडा शिव मंदिर में? नोएडा ही रहते हैं आप? हाँ, नोएडा। कब से नोएडा रह रहे हैं? नोएडा अभी मेरा हस्बैंड के साथ 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। हाँ। उससे पहले कहाँ रह रहे थे? उससे पहले मैं फिरोजाबाद आगरा, फिरोजाबाद आगरा। हाँ। क्या आपके साथ परेशानी आखिर क्या हुआ? अच्छा देख रहे हैं आपके दो बच्चे हैं अच्छे, फिर क्या परेशानी हुआ कि आप नोएडा से यहाँ बिहार पटना आए? ना मैं जब शादी करके गई तो मुझे पहले तो पता नहीं था कुछ, ये बहुत मतलब कि जो मेरे हस्बैंड थे फ़ोन पे कहते थे तुझे यहाँ ले जाऊँगा घुमाने, ऐसे ले जाऊँगा, तेरे नाम से ये खरीदूँगा, ऐसे वैसे। तो पढ़े लिखे में तो मैं सोची इतना कमाते होंगे सब कर देंगे, जब वहाँ पे गई तो कुछ नहीं था, 10-12 हज़ार रुपये कमाते थे आगरा में। ठीक है, तो अभी यहाँ नोएडा आ गए तो अच्छा इनकम है कमाते थे वहाँ पे। जब मेरी शादी होकर गई तो मुझे पता चला कि मेरी देवरानी और देवर नहीं चाहते थे कि शादी हो, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि इनका बच्चा उच्चा है नहीं तो इनको हम लोग सेवा करेंगे और हमारी सारी संपत्ति हो जाएगी। ये ज़बरदस्ती शादी की है। जब शादी कर गई तो ये लोग मुझे दोनों टॉर्चर करने लगे, मेरे देवर और देवरानी, ऐसे मतलब टॉर्चर करते कि वो दिखाई भी नहीं देता। पहले गाली देता था तो मैं ससुर से बोली तो वो बोले कि गाली ही देता है ना, देह में नहीं चिपकता है ना। अब मुझे गंदी गंदी हरकत करने लगा, जैसे देख के मतलब अपनी प्राइवेट पार्ट को खुजाना, ऐसे करना दिखाना, जब मैं रूम में रहूँगी तो ऐसे करता है। अब वो चीज़ मैं किसी से कह नहीं पाती। एक बार ससुर से कही तो लोग कोई कुछ नहीं बोले। अच्छा, शादी के कितने दिन आप लोग साथ खुशी से रहे? एक दिन भी नहीं। जैसे सुहागरात मेरा हुआ, उसके बाद मेरी देवरानी मेरे हस्बैंड के साथ रहती थी, मैं 2 बार पकड़ी हूँ, एक बार किचन में, एक बार उसके रूम में। मतलब आपके पति आपसे सुहागरात के दिन ही साथ थे, उसके बाद से वो देवरानी के साथ? दो चार दिन मेरे साथ थे। हाँ। और मैं देवरानी के साथ 2 बार पकड़ी हूँ, क्योंकि मेरा देवर कोर्ट चला जाता है, मेरा ससुर लेखक भी हैं और सरकारी मतलब रिटायर हैं टीचर से। अच्छा, जब आप लोगों का रिलेशन अच्छा नहीं था, संबंध अच्छा नहीं था, तो ये दो बच्चे कैसे हो गए? तो मैं बोली, मैं आई, मेरा पेट में जब आदि था मेरा बड़ा बेटा, तो मैं आई मायके तो बोली सब बात बताई कि उसके घर में मैं रहूँगी तो दुखी होती जाऊँगी, मैं सुखी नहीं रहूँगी, इससे मेरा छुटकारा दिला दो। तो मेरी माँ कही कि हम लोग कितना झेलेंगे, हम लोग कहाँ तक खिलाएंगे पिलाएंगे, जाकर उसी घर में रहो, जो होगा सो देखना, नहीं तो जहर खा के मर जाना, क्या करेंगे, इतना मेरी मम्मी बोली। और देखिए दुर्भाग्य, देखिए जो भी लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, सबसे पहले तो आपको अपने
अपने माता पिता के जो है कि विरोध नहीं जाना चाहिए, अपने परिवार के विरोध नहीं जाना चाहिए। जो होता है उसको ठीक करने का कोशिश कीजिए, कुछ गलत फहमियाँ हैं तो उनको ठीक करने का कोशिश कीजिए। हम इसलिए बोल रहे हैं कि अभी जो है यह लड़की, देखिए पहले पति को छोड़ दी हैं, अब जो भी कारण हो मुझे नहीं पता, पहले पति को छोड़ दी हैं, दूसरा शादी की, शादी.com से शादी की हैं, और देखिए उनको ना जानते थे ना पहचानते थे ना कोई कॉन्टेक्ट था। शादी करने के बाद क्या इनका आज दिन है वो आप लोग सामने देख पा रहे हैं। जब से आई हुई है ऑफिस में एकदम सामने आई, एकदम रोई जा रही है, देख के आप मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। और अभी इनसे हम जब पूछें कि ठीक है अभी यहाँ से ऑफिस से निकलिएगा तो आप कहाँ जाइएगा, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ से फिर मुझे नोएडा ही जाना है। आप सोच के देखिए, एक लड़की नोएडा से आती है, बिहार में जिनका अपना घर हो, अपना माँ बाप हो, अपना मकान हो, वो वहाँ नहीं जाएगी, अपने मायके नहीं जाएगी, अपने मम्मी पापा के पास नहीं जाएगी, क्योंकि मम्मी पापा इनका इतना विरोध करते हैं, इनको मतलब देखना नहीं चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि वो यहाँ आए। तो ये अभी अपने मम्मी पापा के पास नहीं जाएंगे, ये अभी यहाँ से नोएडा दिल्ली जाएंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ जी हाँ, क्योंकि वहाँ मेरा पहले शादी में सामान छूट गया था सब, तो कहते हैं कि तेरे पीछे इतना सामान बर्बाद हो गया है 3-4 लाख का, तो हम लोग कितना कहाँ तक झेलेंगे, बस यही बात है और कोई बात। आपको देवर क्यों परेशान करते हैं? वही परेशान, क्योंकि वो चाहता था कि इसकी शादी नहीं हो, ये अपनी मर्जी से शादी किया मेरे हाथ में, तो मेरा कहने का मतलब है कि जब तुम अपनी मर्जी से शादी किए तो अपनी मर्जी से रखो मुझे, तो फिर तुम देवर की क्यों बात मान रहे हो, देवरानी की क्यों बात मान रहे हो? मैं 2 बार पकड़ भी लिए देवरानी के साथ, उसका विरोध करते वो देवर एक बार मुझे ऐसे गले में फांसी लगा के खींच दिया, पूरा आंगन मेरे ससुर देखते रहे, रोने लगे मेरे ससुर, अब मार के पूरा। आपके साथ जब मारपीट होता है, देवर मारपीट करते हैं या पति मारपीट करते हैं, तो आप प्रशासन बुलाते हैं? नहीं, मैं कभी नहीं बुलाई। तो क्योंकि वहाँ पे वो ये मेरे देवर का सब जान पहचान का है, यही मैं मुझे मारा, हाँ मुझे मारा, और ऊपर से यही पुलिस बुलाया। हाँ। पुलिस फोटो खींच के लिए, पुलिस उल्टा मुझे ही डांटी कि तुम ही सबको डांटी। हाँ, मुझे ही परेशान कर, क्या बोल रहे थे? हाँ, मतलब कि तू ही सबको परेशान करती है। और देखिए जो दिल्ली की पुलिस है वो किस तरह, फिरोजाबाद, हाँ जो फिरोजाबाद की पुलिस है, देखिए उनका किस तरह से रवैया है। ये जब पुलिस वो बुलाए, ठीक है आप देख रहे हैं पति पत्नी या देवर भाभी में जो लड़ाई हो रहा है, ठीक है कोई भी बताए, आप सही निर्णय कीजिएगा, इसका मतलब ये नहीं है, इनके देवर जो है एडवोकेट हैं, अब उनका पहचान है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे आप डर जाइए, आप अपने काम को सही से नहीं कीजिए। और क्या बोलते हैं कि तुम मतलब क्यों शादी किए, बिहार से आके यहाँ क्यों शादी किए? भाई यहाँ चाइना, रूस, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तान हिंदुस्तान चाइना में, आप हिंदुस्तान में इतना नफरत है तो लोग कहाँ से कहाँ जाके शादी कर लेते हैं, प्रेम होता है तो। आप बोल रहे हैं कि बिहार से यहाँ क्यों शादी कर लिए? हाँ, क्या दिल्ली से या फिर बिहार नहीं आई लड़की, फिरोजाबाद से नहीं आई है बिहार लड़की, या बिहार से नहीं गई है, ये आप कहने वाले कौन होते हैं? मेरी देवरा, जब हम लोग मेरी शादी हुई, हम लोग सुहागरात को रहे 4 दिन रहे, तो मेरा यहीं से मतलब MC आया था, तो मेरा बच्चा रुक गया पेट में 3-4 दिन रहने के बाद, तो मेरी देवरानी मेरे हस्बैंड को फ़ोन पर सिखाती थी, मैं सुनी थी, मेरे हस्बैंड ही जब मैं फुसला के पूछने लगी, जब हम लोग 1 साल के अंदर मतलब अच्छे से थोड़ा रहने लगे, पूछने लगी, तो सब वो बात मेरी देवरानी को बताने लगे कि यही मेरा कान भरती थी, ऐसे करती, मेरी देवरानी कहती थी कि बिहारी लड़की या बिहारी लेडीज़ बहुत बदबू मारती हैं, कैसे उसके साथ सोते हैं भाई साहब, ऐसे वैसे, तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ सोना छोड़ दिए थे, आगरा रहने लगे थे। आपकी देवरानी बोलती? हाँ। आखिर ऐसा वो क्यों बोलते थे? मेरे हस्बैंड से बोलती थी कि यदि बिहार की औरतें सब मांस खाती हैं, बदबू मारती हैं। अभी आप लोग पति के साथ ही रह रहे हैं? हाँ, अभी मैं पति के साथ। वो किसी तरह से आपको परेशान, मेंटली टॉर्चर क्यों? आपके पति? हाँ, ये मारते हैं, मारते फिर बार बार, मेरा देवर फोन कर देता है, तलाक के पेपर रेडी है लाऊं, तलाक दे दे उसको, ऐसे कर दे सब घर को, पर जब से उसकी शादी हुई है हम लोग भाई भाई में आपस में नहीं बन रहा है, नहीं रह रहे हैं सही से, ऐसे कहता है। और जबकि पहली वाली इनकी जो वाइफ थी उसके साथ भी इसने रेप किया है, पहली वाली हाँ वाइफ के साथ, हाँ इनका। अच्छा। जब पहली वाली वाइफ रो रही थी, हाँ। मेरे हस्बैंड गए थे बाजार, रेप कर दिया इसने, जब आए बाजार से, जब सब दिखाने लगे, छाती में दांते काट लिए थे, कौन देवर रेप किया? हाँ, मेरी पहली वाली। जेल नहीं हुआ? हाँ नहीं, ये लोग पैसा ठूस देते हैं। अच्छा। हाँ, इतने पैसे वाले हैं? हाँ, कहते हैं कि हम भर देंगे पैसे, कुछ भी कर देंगे।
बाकी बात देखिए, यह एप्लीकेशन इसलिए दे रही हैं, ये इसलिए आ रही हैं सामने कि चलो मेरा जो घर है, मेरा जो परिवार है, मेरे जो पति हैं, हम लोग खुशी खुशहाल रहें। अगर उनके मन में कोई चीज़ निगेटिव उनके भाई डाल दिए हैं या देवरानी डाल दी हैं, तो उन चीज़ों को ये जो है क्लियर करना चाहती हैं, और यह चाहती हैं कि मेरा जो पति है वो हमारे साथ खुशी से रहे, मारपीट ना करें, हमको टॉर्चर ना करें। बाकी बात देखिए, आप लोग क्या सोचते हैं इस